अप टू 90% लेस फैट। तो मतलब ये क्या है, इसमें सर क्या रहता है, जैसे कि हम मान लीजिए, हमने ऑयल की यहाँ फिलिंग कर देनी है, यस 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 जो हम 90% ऑयल 100% ऑयल यूज़ करते थे, उसका खाली 10% हमको यहाँ पे उसकी फिलिंग करनी यस है, यस यही बात है ना? फिलिंग ओके, ये आपका आता है 6.2 लीटर के सिक्स अंदर। पॉइंट टू लीटर इसमें जो आपको वॉल्यूम पूरी मिल गई आपको, लेकिन इसमें जो बनता है वो 800 ग्राम्स बनता है, इसमें जो बनता है आपका 1200 ग्राम्स बनता है। ओके, यस अगर इसी कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग कितनी आती है इन दोनों की? सर इसकी जो कॉस्टिंग आती है हमारे जो जो हमारे पास आए, हाय आज मैं आपको बताता हूँ एक एयर फ्रायर के बारे में, जो कि 90% लेस फ्लैट लेस फैट फ्री आता है, जिसके अंदर तीन वेरिएंट आते हैं फिलिप्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है एनालॉग मॉडल, जो कि ST9200 आता है। उसके बाद आता है आपका ST9270, जो एक्स्ट्रा साइज आ जाता है हमारा 6.2 लीटर के अंदर। जो हमारा पहले मैंने बताया वो आपका आता है 4.1 लीटर। इसी में एक थर्ड मॉडल आता है हमारा जो लेटेस्ट है अभी तक का, यह है ST9280, जो विद वाईफाई के साथ आता है। मतलब दोनों का जो हमारा 9270 9280 दोनों हमारे मॉडल सेम रहते हैं, बट इसके अंदर खाली 9280 में अपडेट क्या हुआ है, एक वाईफाई का फीचर मिल जाता है, जो कि आपका एक वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हो, और इन बिल्ट हो सकता है इस पर एलेक्सा भी पॉसिबल हो जाए आपके कुछ मंथ्स के अंदर। दोनों की कैपेसिटी आपकी सेम रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ ST9200 के बारे में। 9200 जैसे कि आप देख सकते हैं ये एनालॉग मॉडल के साथ आता है। इसमें आपको टाइमिंग और टेम्परेचर आपको मैनुअली मिल जाता है, जिसमें टाइमिंग आपका आता है 0 to 60 मिनट्स का, और टेम्परेचर आपका रहता है 80 to 200 मिनट्स का। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग बेसिक मॉडल था हमारा 9200, स्टार्टिंग में जब आया था तो एक बैलून शेप में आता था, उसके बाद अपडेट होते होते फिर ग्रे कलर आया इंडिया की मैप पिंक के अकॉर्डिंग, फिर आपका आ गया ब्लैक कलर, जो कि सबसे अच्छा रहता है, कूल फिनिशिंग में आता है। और मेन चीज़ इसमें ना आपको एक लाइट मिल जाती है स्मॉल, जिसके अंदर आपको पता लगता है कि आपका टाइमिंग टेम्परेचर आपका पूरा हो चुका है, जो उसके अंदर बन गया ऑटो कट ऑफ हो गया है। इसमें भी कुछ आपको स्टैश मिल जाते हैं किस टेम्परेचर पे टाइमिंग पे आपको रखना होता है, जैसे कि आपको चिकन टिक्का बनाना है 18 to 24 मिनट्स का लगाना पड़ेगा टाइमिंग, और 180 डिग्री सेल्सियस आपको इस पर टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ऐसे सबका हमारा रहता है, बट बेसिकली ये बताया जाता है कि अगर आप नॉन वेज या वेजिटेबल्स, दो हमारे वेरिएंट रहते हैं जिसमें अगर वेजिटेबल्स अगर आप देखते हो तो वेजिटेबल के अंदर जो हम टेम्परेचर रखते हैं 160 टू 180 डिग्री रखते हैं, और नॉन वेज के अंदर जो हमारा टेम्परेचर रहता है 180 टू 200, मतलब बेसिकली 160 टू 180 वेजिटेबल्स और 180 टू 200 नॉन वेज के लिए। टाइमिंग डिपेंड करता है फूड के अकॉर्डिंग, हमारा फूड क्या है। इसी में अगर हम केक बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, मफिन्स हो गया, तो हमारे 90 से लेके हम 140 150 तक हम इस पर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। बाकी एक बार हमें इस पर खोल के देखना नहीं होता केक के अंदर, बाकी इसमें प्लास्टिक का बर्तन छोड़ के सारे बर्तन हमारे इसमें यूज़ हो जाते हैं। आप अगर 4.1 का अगर आप ग्रॉस वैल्यू जो दिखाई जाती है इसमें, जो अगर आप बनाते हो तो इसमें स्टारफिश का डिज़ाइन मिल जाता है। इसमें क्या होता है, ये फिलिप्स का ही पेटेंटेड होता है, इन्होंने जो बेस है इसका जो स्टारफिश डिज़ाइन है इन्होंने पेटेंट करा रखा है, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो आपको अलटना पलटना नहीं पड़ता है, शेक करना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो भी एयर आती है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, हमने इसके अंदर हम फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, हमने इस बकेट के अंदर आपको सारे फ्रेंच फ्राइज जो है बनाए इसमें रख दिए। इसमें रखने के बाद जब ये हमारी बकेट फुल हो जाएगी, अब कोई कहेगा कि हमें अलटना पलटना क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि एयर तो हमारी स्टक हो जा रही है, ऐसा नहीं है। जो इसके जो फोर ये जो ओपन साइड्स होती है इसकी, जो लेयर की हमारी ओपन साइड रहती है, इसमें हॉट एयर जाती है, इसमें चैम्बर होता है, एक एलिमेंट लगा होता है इसके अंदर, आप देखेंगे एक एलिमेंट है इसमें आपका, एलिमेंट के ऊपर एक फ़ैन आ जाता है। वो फ़ैन क्या करता है, जब फैन चलता है, जैसे हमने 200 का टेम्परेचर लगाया और वो जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ऑटो कट ऑफ हो जाता है, लेकिन जो एलिमेंट गर्म रहता है वो हॉट एयर फेंकता है इसके ऊपर। जब वो थ्रो करता है आपकी हॉट एयर, तो ऊपर से तो हमारा पक रहा है तो साइड से हमारी एयर जाती है, जब साइड से एयर जाती है तो इसमें स्टारफिश का फिर डिज़ाइन काम करता है। जब एयर साइड से जाएगी तो 1 2 3 4, तो एक ऑप्शन 360 डिग्री, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ तरफ से आपका 360 डिग्री पे एयर रोटेशनल होती है, जिसमें आपको शेक करने की नीड नहीं पड़ती और आपका खाना बहुत अच्छा बनता है। और प्लस अगर इसमें समोसा बनाते हैं, आप अदर्स एयर फ्रायर ले लोगे तो उसमें क्या है ना, एयर फ्रायर के अंदर आपको समोसा आपका अंदर से जो भी हम रखते हैं वो आपका कच्चा रह जाता है, मतलब पूरी तरह से बनता नहीं, जो स्टफिंग होती है, लेकिन फिलिप्स के अंदर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा देखा भी गया है और इससे ज़्यादा बेटर कोई क्वालिटी आती नहीं, क्योंकि फिलिप्स ने सबसे पहले बनाया और उसके बाद इसी को अपना पेटेंट करा लिया है। और मेन है इसमें रैपिड एयर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमारा जो खाना जो हम कुकिंग करते हैं अप टू 90% लेस फैट बनता है। तो इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम फ्राइंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, रोस्टिंग हो जाएगी, टोस्टिंग हो जाएगा, ग्रिलिंग हो जाएगी। फ्राइंग के अंदर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं, समोसे बनाने हैं,
वगैरह वगैरह जो भी फ्राइज में रहता है हमारा, पिज़्ज़ा आप बना सकते हैं बेकिंग के अंदर, केक बना सकते हैं, बिस्किट के अंदर आप बेकिंग कर सकते हैं, मतलब बेक में बिस्किट भी आपका बन जाता है। बाकी आपका आता है ग्रिल, ग्रिल में आपका पनीर भी हो जाएगा, चिकन भी हो जाएगा, उसके बाद रोस्टेड भी आ जाएगा आपका, ये तो सारी चीज़ें रहती हैं। इसमें अंदर ये लिखा हुआ है अप टू 90% लेस फैट, तो मतलब ये क्या है इसमें सर? क्या रहता है जैसे कि हम मान लीजिए आप कोई भी डिश, मैं बोलता हूँ समोसे सबसे ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं, आजकल बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो समोसे खाना या पकौड़े खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। अब बाहर हम समोसे खा रहे हैं तो बहुत कैसा ऑयल है, हर कोई उससे बचना चाहता है, नहीं नहीं यार क्या कुछ भी हो सकता है, बहुत डिजीजेज चल रही है, वायरसेस चल रहे हैं, लेकिन घर के अंदर बना रहे तो एक हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसमें क्या, आप समोसा बनाओ रखो, आपको इसमें 3-4 से 5 मिनट के लिए आपको जो ऑयल होता है, जो समोसा होता है आपका आपने बनाया, उस पर प्री हीट करना पड़ता है, प्री हीट करना पड़ता है आपको। अच्छा, तो मतलब हमें जो हमारा ऑयल है जैसे हम समोसा बनाते हैं उसको तल के बनाना पड़ता है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे इसमें खाली हमने ऑयल की यहाँ फिलिंग कर देनी है, जो हम 90% ऑयल 100% ऑयल यूज़ करते थे उसका खाली 10% हमको यहाँ पे उसकी फिलिंग करनी है, यही बात है ना? फिलिंग कर दी, तो खाली उसकी कोटिंग करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें ये दो मॉडल हैं, दो मॉडल, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये आपका आता है 4.1 लीटर के। ओके, ये आपका आता है 6.2 लीटर के। 6.2 लीटर, इसमें जो आपको वॉल्यूम पूरी मिल गई आपको, लेकिन इसमें जो बनता है वो 800 ग्राम्स बनता है, इसमें जो बनता है आपका 1200 ग्राम्स बनता है। ओके, अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग कितनी आती है इन दोनों की? सर इसकी जो कॉस्टिंग आती है हमारे जो हमारे पास आ रही है वो 7,999 रुपीज़ की। अच्छा, ये आपका प्राइस है, ये प्राइस आ रहा है, एमआरपी ये होता है, एमआरपी है अपडेटेड वर्जन का, ये आपका जो प्राइस है, और ये मैनुअल मॉडल है, ये मैनुअल आता है, ये आ जाता है, एनी कैपेसिटी 4.2 लीटर, 4.1 लीटर, और ये मॉडल, ये डिजिटल मॉडल के अंदर है, ये डिजिटल मॉडल के अंदर है, इसके अंदर जो आपका आता है इसमें 7 प्रीसेट्स मेन्यूज मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट पे डिजिटल पे, उसमें फ्राइड्स के लिए, नॉन वेज के लिए, मतलब चिकन टिक्का, फिश टिक्का, केक, वेजिस के लिए आपका इसमें ऑलरेडी प्रीसेट्स मेन्यूज आते हैं। तो ये कॉस्ट करता है हमारा 13,999 रुपये, इसकी MRP जो है 16,995। ये कितने कैपेसिटी में था? ये है आपका 6.2 लीटर्स का, और आपको मिलता है ये कम से कम 1200 ग्राम्स में। ओके, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, और 2 साल की वारंटी साथ आता है, वर्ल्ड वाइड रहती है। ठीक है, तो ये थी फिलिप्स के एयर फ्रायर की वीडियो, होप सो ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, लाइक तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।